खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोएं, क्योंकि दिन भर हम कई चीजों को छूते हैं जिससे उनमें कीटाणु लग जाते हैं। हमें कीटाणु और कीटाणुओं से होने वाली बीमारी से बचने के लिए अपने हाथ अवश्य ही धोने चाहिए। खाना खाने के लिए एक जगह पर अच्छे से बैठना चाहिए। सही ढंग से बैठने से खाना ठीक से पचता है। जब आप खाने की मेज पर बैठे हो तो ज्यादा हिले डुले नहीं, इससे बगल में बैठे अन्य व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है और खाना या पेय पदार्थ फैल भी सकता है। खाना शुरू करने से पहले आप एक रुमाल गोद में रख लें, जिससे कि खाते या पीते वक्त आप उससे अपना मुंह पोंछ सकें। रोटी या बिना कटा हुआ फल आप हाथ से खा सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ खाने के लिए चम्मच और कांटे का प्रयोग करें। खाने की मेज पर यदि भोजन आपसे दूर हो तो बगल में बैठे अन्य साथी से पास करने को कहें, स्वयं बीच में लेने की कोशिश न करें। मेज पर किसी से कुछ मांगने से पूर्व कृपया शब्द का प्रयोग करके आज्ञा मांगें, और जब कोई आपको कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहकर उसका शुक्रिया अदा करें। जब आपके मुंह में भोजन हो तो बात न करें, इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही यह दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और शब्द भी साफ नहीं सुनाई देते। भोजन करते समय छोटे छोटे कौर लें, एक साथ ज्यादा खाने से भोजन गले में फंस सकता है। भोजन करते समय ज्यादा बातें न करें, और जब अन्य व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो तो बीच में न बोलें। हमेशा धीरे बात करें और जवाब भी सही ढंग से दें। आवाज करके खाना खाना या पीना आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकता है, इसलिए कुछ भी खाते या पीते समय बिल्कुल आवाज न करें। खाने की मेज पर खाना मुंह से बाहर न निकालें और ना ही दांतों को साफ करें। यदि कोई और ऐसा करेगा तो हमें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? जो भोजन आपको परोसा गया हो उसके बारे में कुछ भी बुरा न बोलें। यदि आपको वह पसंद न हो तो थाली को एक तरफ रख दें, फिर भी पहले खाने की कोशिश जरूर करें। क्षमा कीजिए, जब आप मेज से उठना चाहें और अन्य साथी बैठे हों, तब इस शब्द का प्रयोग करें। माफ कीजिए, जब आपसे कोई चीज गिर जाए, फैल जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो आपको नहीं करना चाहिए था, तब इस शब्द का प्रयोग करें।